बिहार के मुजफ्फरपुर में सावन की चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में आधी रात को आस्था और भक्ति का जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि इसे उत्तर बिहार का देवघर भी कहा जाता है। वहीं पश्चिमी एसडीएम ज्ञान प्रकाश और पूर्वी एसडीएम ब्रजेश कुमार ने डांडी बम बनकर बाबा गरीबनाथ पर किया जलाभिषेक और पूरे जिलेवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना किया। साथ ही बता दें कि मलमास महीने में इस बार दो श्रावण का महीना है। इस बार 19 साल बाद सावन महीने में मलमास लगा है, इसलिए इस बार के मलमास में सभी सोमवारी को बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से लोगों के जीवन सुखमय हो जाता है। श्रद्धालुओं को धन्य धान्य का विशेष लाभ मिलता है। बाबा गरीबनाथ धाम में आधी रात से ही आस्था और भक्ति का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पहलेजा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर चले डाक कांवरियों और कांवरियों का जत्था बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचा, जहां पूरा इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। वहीं इस मौके पर पश्चिमी एसडीएम ज्ञान प्रकाश और पूर्वी एसडीएम ब्रजेश कुमार तथा महंत अभिषेक पाठक ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज श्रावण माह के पुरुषोत्तम माह जो लगा है उसकी चौथी सोमवारी है, उसमें बाबा का लगभग 10,000 लोकल कांवर और 5,000 समथिंग डाक कांवर का जलाभिषेक हुआ है। और उसके बाद सुबह 5 बजे के बाद ये लोकल भक्तों का भीड़ हो गया है और काफी संख्या में भक्तों जलाभिषेक कर रहे हैं और लगातार जलाभिषेक रात्रि 12 बजे से हो रहा है बाबा गरीबनाथ का। भक्तों में भी काफी उल्लास है कि पुरुषोत्तम मास का ये सोमवारी है, 16 सोमवारी के बराबर एक सोमवारी को जलाभिषेक करने का पुण्य मिलता है, इसी में भक्तों का काफी उल्लासदा जलाभिषेक कर रहा है। हम लोग सब परिवार शाहू पोखर से राम दरबार से भगवान की आरती के उपरांत बाबा हनुमान के दर्शन करते हुए हम लोग वहाँ से बाबा गरीबनाथ तक डांडी बम करते हुए हम दोनों अनुमंडल पदाधिकारी आज बाबा के चरणों में जल अर्पण किए हैं और हम लोग सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरे जिले में अमन चैन बनी रहे, सभी के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना हम लोगों ने किया है। और साथ ही साथ हम लोग बाबा से यह भी अनुनय विनय करते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं जिला प्रशासन उनकी सेवा में तत्पर है, उनको किसी प्रकार की कमियां नहीं हो, उसमें हम लोग संलग्न हैं। और उम्मीद है कि आज 4 सोमवारी बीती है और शेष 4 सोमवारी और रह गई है, उसमें हम लोग सभी कांवरियों की सफल तरीके से सेवा करते हुए बाबा गरीबनाथ धाम में उनका हम लोग स्वागत करेंगे और सबके कल्याण के लिए हम लोग कामना करते हैं। देखिए कठिन तो है लेकिन बाबा की कृपा से सब कुछ सफल हो जाता है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि हम लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, फिर भी बाबा ने ऐसी ऊर्जा प्रदान की कि हम लोग सब परिवार इस कार्य को, इस डांडी बम को सफलतापूर्वक पूरा किए और बाबा के चरणों में आकर के जल अर्पण किए और बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं। चतुर्थ सोमवारी के अवसर पे हम लोग जलाभिषेक किए हैं डांडी बम के माध्यम से और सबसे पहले हम लोगों ने राम जानकी मंदिर में राम की पूजा की, आरती में भाग लिया। और पुरातन मान्यता है कि जब तक राम की पूजा शिव के साथ नहीं हो जाती है तब तक पूजा अधूरी रह जाती है, इसी मान्यता को मानते हुए हम लोग आज सभी से राम की पूजा किए और डांडी बम के माध्यम से आज हम लोग जलाभिषेक किए। और पिछले बार भी हम लोग जलाभिषेक किए थे तो उसमें और इस बार उसको संबोधित करते हुए हम इसी राम की पूजा को भी इसमें जोड़े और डांडी का जो डांडी मार्ग का रूप था वही पिछले साल का लगभग बराबर है और इसी अवसर पर पूरे जिलेवासियों के लिए हम लोगों ने शांति और विकास की।